हंसाने के लिए बनी है, इसे देखकर सिर्फ हंसिए। अगर कुछ भी देखकर आपको बुरा लगता है तो फेंक के चप्पल मारे लाइक बटन पर, अगर और बुरा लगता है तो घूसा मारिए सब्सक्राइब बटन पर। धन्यवाद। मम्मी मेरी ना दो चोटियां बना दो, मैडम ने कहा था कि करेले करके आने हैं प्रेयर के टाइम पे। मम्मी मम्मी निंदियां मत करो, मैम गुस्सा करते हैं, आप दो चोटियां बना दो। कैसे करूं, तेरे तो बाल भी हाथ में नहीं आते। आराम से कर लो, नहीं होती दो चोटी, मैडम को कह दे अपनी। मैं नहीं बोलती मैम को, मुझे ना बहुत डर लगता है, आप ना मेरी डायरी में लिख दो, मैं मैम को दिखा दूंगी। माँ के सामने तो बड़ी शेर बनती है। आपने परोठी के साथ अचार डाल दिया। हाँ हाँ, तीन परोठियां डाल दी, खा लेना। मेरा आईडी कार्ड भी ढूंढ के दे दो, मेरे बैग में तो है ही नहीं। फिर मैम मुझे फिर से बोलेंगी मेरे तो आपने नेल भी नहीं काटे, मेरी बग्गी आ जाएगी स्कूल की, फिर मैम मुझे गुस्सा करेगी प्रेयर में। जल्दी उठ जाती, तंग करके रखे मुझे। चल सीधे होके बैठ। कर रही हूँ, कर दो, बग्गी आ गई, जल्दी करो। पेन, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर सब कुछ डाल लिया। ये मैंने नोटबुक्स डाल ली, इंग्लिश की वर्कबुक डाल ली, इंग्लिश की ग्रामर भी डाल ही लेती हूँ, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पैक कर लिया सारा कुछ मैंने तो। मैडम खुद तो इतना फैशन करके आती है, मुझे रोक रही है। मैं भी फैशन करके जाऊंगी स्कूल में, मैं तो लॉन्ग नेल्स ही रखूंगी, असेंबली में नहीं जाऊंगी, कह दूंगी कि मुझे पीरियड्स आए हैं। हाँ भगवान करे कि असेंबली हो ही ना, अगर हो गई तो मैं नेल्स नहीं काटूंगी। ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगा ली है, मैम को पता भी नहीं लगा कि मैंने नेल पेंट लगाई भी है, और मैं तो वन पोनी ही करूंगी। वो शिखा इतना सुंदर दिख के आती है, राहुल उससे इम्प्रेस हो जाता है। मैं भी चाहती हूँ कि गौरव मुझे देखे, इसलिए मैं टू प्लेट्स की जगह वन प्लेट ही करूंगी। अगर मैम पूछेगी तो कह दूंगी कि मैम मेरे तो शॉर्ट हेयर्स हैं, मैं तो टू प्लेट्स कर ही नहीं सकती। वो रिया भी इतना सुंदर दिख के आती है, गोरी चिट्टी लगती है एकदम, मैं भी आज क्रीम की जगह फाउंडेशन लगा के जाऊंगी। पता भी ना चले ऐसा फाउंडेशन लगाऊंगी, लड़कों को इम्प्रेस भी तो करना है, तभी बॉयफ्रेंड्स बनेंगे। लिपस्टिक भी लगाई लेती हूँ हल्की सी, उस गंजे को क्या ही पता लगेगा, और मैम पूछेंगे तो कह दूंगी कि मैम मेरे तो लिप्स नेचुरली ऐसे दिखते हैं। मम्मी यार आज लंच बॉक्स मत देना, मैं कैंटीन में ही खाऊंगी। एक काम करती हूँ, नोटबुक्स मैंने डाली ली है, बुक्स किसी और से शेयर कर लूंगी, एक आधी बुक नहीं भी होगी तो मैम कौन से डांट लेगी। कोई बात नहीं मम्मी, मैं जा रही हूँ यार। यार स्कूल से छुट्टी कब होगी यार, संडे कब आएगा। पंछी बनके उड़ती फिरू मस्त गगन में, मम्मी मम्मी मैं स्कूल से आ गई, नीचे गली वाले बच्चे मेरी राह देख रहे हैं, मुझे खर्ची दे दो। आ गई स्कूल से, ये ले। ये क्या मम्मी, ने तो 2 रुपए दिए। मम्मी मुझे ना 5 रुपए दे दो, मैं ना आपसे 10 दिन नहीं 1 महीने तक पैसे नहीं मांगूंगी। मम्मी मैंने तो नीचे कह भी दिया है कि हम चिज्जी खाएंगे आज बहुत सारी, मम्मी बेइज्जती हो जाएगी। 2 रुपए आजकल के बच्चों को कम लग रहे, बिगड़ गई है तू। नहीं मांगूंगी ना, 1 महीने तक दे दो ना मुझे 5 रुपए खर्ची। ले यार, मुझे तो 3 ही रुपए मिले। यार मुझे भी, मुझे तो 2 रुपए मिले बस। तुझे कितने पैसे मिले? मम्मी ने मुझे 5 रुपए दिए हैं। यार इसकी मम्मी कितनी सही है ना यार। तेरी मम्मा, हाँ बड़ी मिनटों से लेकर आई हूँ, अब अगले 10 दिन तक तुम लोग ही मुझे खिलाओ। चलो लाले की दुकान से चिज्जी लेके आते हैं। चलो चलो लाले की दुकान पर लेके चिज्जी लेते हैं। मैं भी जाऊंगी, मैं भी। अंकल मुझे ना इमली दे दो। अंकल मुझे ना फन फ्लिप्स दे दो। अंकल मुझे ना चूरन की पाइपें दे दो। अंकल मुझे ना नारियल वाली टॉफी दे दो। ऐसे करो मुझे ना पार्ले जी के बिस्किट भी दे दो। अरे इतने पैसे नहीं लेके आया मैं, मम्मी ने 3 रुपए दिए थे ना। करा दे दो फिर कल खा लेंगे। टांग हटा दे लो। मैं भी जाऊँ।
यार टीचर इतना होमवर्क दे देती है, ऊपर से असाइनमेंटों का बोझ, इंस्टीट्यूट भी जाना, इंस्टीट्यूट का होमवर्क भी मिलता है, जिंदगी में पहले ही बोझ है यार, एक दिन तो मैंने मर जाना है यार। तो बिल्कुल सही कह रही है, ऐसे करते हम चिल करने चलते हैं नजदीक वाले कैफे। सही कह रही है यार, स्कूटी उठाते हैं नजदीक वाले कैफे चलते हैं, है ना। क्या आइडिया देती है यार तू भी। मम्मी पापा को कह के ना मेरे पेटीएम करवा दो 500 रुपीज, मैं ना कैफे जा रही हूँ, बाद में देखेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। मुझे ना राहुल की डीपी देखनी है क्या लगाई है फेसबुक पे, पर मेरा तो फेसबुक का अकाउंट ही नहीं है, ना मेरे पास फोन है देखने के लिए। मेरी सारी क्लास ने पता है फेसबुक पर अकाउंट बना लिया, मैंने अभी तक नहीं बनाया, मैं क्या करूं। हाँ चलते हैं फिर साइबर कैफे। यार साइबर कैफे में 1 घंटे का ₹50 लेते हैं, मेरे पास ₹50 नहीं है। मेरे पापा के पास ना नोकिया का फोन है, उसमें 40 MB इंटरनेट है, उसमें बनाते हैं। है? हाँ। मैं ना फेसबुक पर ना आईडी बनाऊंगी क्रेजी प्रिया या फिर एंजल प्रिया नाम से। हाँ, चल, 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 चल। प्रेमलता संस्कृत 10 रुपए की मैडम पढ़ा रही है, बहुत महंगा है। ये आपकी कॉपी। धन्यवाद यार, मैं अपनी इंस्टाग्राम और स्नैपचैट आईडी आज से डीएक्टिवेट कर रही हूँ। क्यों यार, तुझे क्या बताऊँ अपनी लाइफ के, उन्होंने मेरी तो प्रॉब्लम से नहीं खत्म होने को आती। बहन तुझे पता कि मैं क्या बोल रही हूँ? यार तू क्या बोल रही है, मुझे क्या पता होगा। ध्यान से सुन ना, एक तू ही तो है मेरी प्रॉब्लम सुनने के लिए। हाँ बोल बोल। यार जब भी मैं पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करती हूँ ना, बस तभी तभी ना मेरे एक्स का कॉल आ जाता है मुझे। देख आ गया ना, इसके रोने नहीं खत्म होते, और उसके बाद क्रश के मैसेजेस आ जाते हैं, उससे चैट नहीं खत्म होती, ऐसे में सारा दिन गुजर जाता है मेरा, और इसी में पूरी लाइफ गुजर रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, सब कुछ वेस्ट हो रहा है, मुझे पढ़ाई की बहुत टेंशन हो रही है यार, बहुत टेंशन हो रही है। तो फिर ब्लॉक कर दे उन्हें। तुझे क्या लगता है मैंने ब्लॉक नहीं किया होगा? जब भी इन लड़कों को ब्लॉक करती हूँ ना मैं, तब ये फेक आईडी बनाते हैं। अगर फेक आईडी पर रिप्लाई ना करूँ तब ये बनाएंगे ईमेल आईडी, ईमेल आईडी पे मेल भेज भेज के पागल कर देंगे। ओह दीस बॉयज। मेरी मम्मी ने ना मुझे नया फोन लेके दिया, पिंक कलर का, इसमें ना टेंटन गाने हैं, सुनाओ। सुना यार, ये तो बड़ा सही है यार। ये मुझे दे दे। नहीं मेरा। अरे तेरे पास भी तो गेम है। यार मेरी मम्मी ने लेके दी है, इसमें ना 99 गेम्स हैं। वाह यार तेरी मम्मी कितनी अच्छी है यार। नहीं नहीं हम इकट्ठे खेलेंगे। पर तुम लोगों को पता है मैं तुम लोगों की सारी गेम ना बना के निकाल सकता हूँ। कैसे? शकलाका बूम बूम वाली पेंसिल। सही बनी है ना यार, ये ब्लर सी नहीं बनी, थोड़ी ब्लर सी बनी है भाई। तेरे फोन में ऐसी बनती है गंदी सी वीडियो, लो मेरे आईफोन में बनाओ, एक्स है मेरे पास, एक्स। अरे ऐसे तो मेरे पास भी आईफोन 12 है, तुम लोगों की शक्लों से अच्छा फोन है। अरे भाई ये छोड़ो, मेरे पास इससे भी अच्छे हैं, आईफोन 13 और 14 प्रो लेटेस्ट मॉडल है भाई। अरे भाई कुछ नहीं, एक दिन खाना छोड़ो और दूसरे दिन लेट के रहो अच्छे से, और तीसरे दिन तुमको फिर पता ही है ना। तेरा सही है यार, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है, और आईफोन के लिए रोना पड़ता है। मैं भी ट्राई करूंगी यार, मैं भी अभी ये ट्राई करूंगा। नमस्ते मैडम जी। हाँ जी मैडम जी, बताइए मेरे बच्चे का परिणाम। कंचन जी देखिए, जो आपकी बेटी है ना, वो हर एक चीज में बहुत अच्छी है, इसके कक्षा में अंक बहुत अच्छे हैं। अच्छा, पिछले महीने से देखा जाए तो इस बार ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रही है,
खेलों में भी अव्वल है। अच्छी संस्कृत और हिंदी में ये सबसे पहले नंबर पर आती है पूरी कक्षा में, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। पर ना मुझे ना इसकी एक चीज बहुत बुरी लगी, जब भी मैं कक्षा में पढ़ाती हूँ तो ये पता नहीं अपनी सहेलियों के साथ क्या चटर पटर करती रहती है। मैं इसे बहुत बोलती हूँ लेकिन ये मेरी बात नहीं सुनती, तो इस चीज पर मैं चाहती हूँ कि आप ध्यान दें। क्या ये कक्षा में बोलती है? हैं? बोलती है? मैडम जी आपने इसे ना बिल्कुल अलग बिठाया करो इनकी सहेलियों से, ये ना जितनी मेरी है उतनी आपकी बच्ची भी है, जितना 8 घंटे ये घर पे रहती है उतनी 8 घंटे आपकी ये कक्षा में भी रहती है, ये आपकी बच्ची है, आपने इसकी दूसरी माँ हो, आप इसे मारो कूटो टांगे तोड़ो इसकी चटनी बनाओ, बस ना मेरी बच्ची को होशियार कर दो, लायक बना दो मेरी बच्ची को, मेरी बच्ची को ना अपने चरणों में ले लो, इसे माँ का नाम तो देखिए जितना मुझसे हो पाएगा ना कंचन जी मैं करूँगी, ये अब मेरी बेटी है, मैं इसे होशियार लायक और जिम्मेवार पुत्री बनाऊंगी। इसे ना सहेलियों से दूर ही बिठाया करें, संगति बिगाड़ रही है इसे, मेरी बच्ची ऐसी नहीं है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप निश्चिंत होकर घर जाएं। चल ना की कटा दे कक्षा में मेरी, चल। ध्यान रखना बेटा अपना। नेक्स्ट। अरे करी थी। Yes, ma'am. बताइए आप मेरे बच्चे के बारे में। बताइए डिनर में क्या लेंगी? क्यों ऐसा क्या कर दिया मेरे बच्चे ने? डिनर इसीलिए क्योंकि इसकी हरकतें बताते बताते ना रात हो जाएगी, मतलब ये क्लास में इतना कुछ करती है ना, अगर आपको विस्तार से बताऊं 6-7 घंटे लग जाएंगे लेकिन इसकी बातें खत्म नहीं होंगी, मैं थक जाऊंगी, तो चलते हैं आराम से घर पे बैठेंगे और इसकी कंप्लेंटें मैं करती हूँ आपको। क्या बताऊं मिसेस खुराना मैं आपको, मतलब ये क्लास में एक तो पहले आती ही नहीं है, जब आती है तो अपनी सहेलियों के साथ बैक बेंच पे बैठ जाएगी, और बैक बेंच पे बैठ के इन्होंने क्या गॉसिपिंग करनी है क्या टॉकिंग करनी है मुझे आज तक समझ में नहीं आया, मतलब पूरे लास्ट पीरियड तक इनकी बातें खत्म नहीं होती हैं। लंच इन्होंने फर्स्ट पीरियड में खत्म कर देना, इनको लगता है कि मैम को पता नहीं चलता, पर बेटा मैम भी आपकी उम्र से ही गुजरे हैं, ओके? एंड सबसे बड़ी बात है बिल्कुल पढ़ती नहीं, कहाँ ये 90 मार्क्स लेती थी 100 में से, कहाँ अब ये पूरा 40 नंबर पे आ गई है, बिल्कुल भी पढ़ती नहीं है ये, बिल्कुल भी नहीं। इससे गेम्स खिला लो, इससे कोई ना कोई डांस करवा लो, इसे सिंगिंग करवा लो, पर पढ़ने की बारी आती है इसका सिर दुखने लग जाता है, सिक रूम भाग जाती है, मतलब क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो जागृति का फ्यूचर लगता है फ्यूज बल्ब, अंधकार ही अंधकार, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, मैं आगे क्या बोलूँ। अब आप ही अपनी बच्ची को सुधारिए, यू बेटर हैंडल योर सेल्फ। एक्सक्यूज मी मैडम, मैम आपने इतनी ज़्यादा एजुकेशन ली है, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए बट आप घूम फिर के लगे क्या एक टीचर है ना, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि नॉलेज इम्पॉर्टेंट होता है, एजुकेशन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, यू नो कैलकुलेटर की दुनिया में 13 का टेबल याद करने की क्या ज़रूरत है, एंड मेरा बच्चा अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छा है तो मैं उसे उसी चीज़ में आगे भेजूंगी ना, अगर पढ़ाई में अच्छा है ज़बरदस्ती पढ़ाई का बोझ क्यों डालना उस पर, एंड यू नो मेरा बच्चा इवेंट्स पे पार्टिसिपेट करता है, एनुअल फंक्शन डांस कॉम्पिटिशन स्पोर्ट्स इवेंट पे पार्टिसिपेट करता है, सो शी हैज दैट कॉन्फिडेंस। बच्चे आपने बताया नहीं कि आपका यूट्यूब चैनल भी है? ओके, शी हैज हर ओन चैनल। मैं बताया था पर मैम ने नजरअंदाज कर दिया। ओ माय बेबी, मैम हमारा यूट्यूब चैनल भी है जिसपे 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, दूसरे चैनल पे 600K सब्सक्राइबर्स हैं। 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स, That's impressive. जो भी कभी रोल दे अपनी वीडियो में। अरे मैम जरूर देंगे रोल। जरूर मैम जरूर। Oh, I'm very proud of you, baby. आजकल के बच्चे कम थे, ये माएं भी साथ लग गई इनके, इनको बिगड़ने से कोई नहीं रोक सकता।